नमस्कार, आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूं। और अब मैं जन सरोकार मंच टोंक और आदरणीय देवेंद्र जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने मुझे आज दशहरे के उपलक्ष्य में बोलने का अवसर प्रदान किया। साथ ही मैं पाती मुहिम के जनक आदरणीय डॉक्टर सूर्य सिंह जी नेगी मीना जी सिरोला का भी हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने लुप्त होती हुई पाती को, पत्रों की दुनिया को वापस हमारे समक्ष उपस्थित किया, उन्हें चालू किया, ताकि हम सभी उन्हें अपनी भावनाएं पत्रों के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचा सकें। इस मुहिम के अंतर्गत कई पत्र लिखे गए और अभी हाल ही में 15वें पत्र, 15वीं पुस्तक, जिसमें कई पत्र संकलित हैं, का ऑनलाइन विमोचन भी किया गया। इसके लिए मैं पाती परिवार को और सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। ये पत्र, पत्रों की दुनिया जो शुरू हुई है, वो सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत के बाहर भी लोगों तक ये मुहिम पहुँची है और हजारों की संख्या में पत्र लिखे गए हैं, पहुँच रहे हैं और उन्हें पुस्तकों का रूप दिया जा रहा है। आज मैं जो पत्र पढ़ना चाहूंगी, बापू की चिट्ठी मेरी जुबानी, जिसके संपादक हैं डॉक्टर सूर्य सिंह जी नेगी मीना जी सिरोला एवं चंद्रमोहन जी उपाध्याय, और आप सभी का आभार। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि इसमें मेरा भी एक पत्र है जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूं। पत्र है जो 26 अगस्त 2021 को जोधपुर से लिखा गया था, जो बापू ने मुझे लिखा। प्रिय बिटिया बसंती, शुभाशीष। पत्र के अंत में मेरा नाम देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा कि बापू तो अब इस दुनिया में नहीं है, फिर वे यह पत्र कैसे लिख सकते हैं। हाँ, यह सत्य है कि मेरे द्वारा पत्र लिखा जाना संभव नहीं है, मगर बेटिया, आत्मा तो अजर अमर है ना। मेरी आत्मा मेरे भारत के हालात देखकर रो रही है और वही मजबूर होकर अपना दर्द इस पत्र के माध्यम से बयान कर रही है। तुमने तो पढ़ा ही होगा कि मैंने आजाद भारत के लिए क्या क्या सपने संजोए थे, उन्हें पूरा होते देखने की लालसा मुझे दर दर भटका रही है। सोचता हूं कि कभी तो वह सुबह होगी जब मेरे सपने साकार होंगे। इसी उम्मीद में मैंने पत्र लिखने का सिलसिला शुरू किया है। तुमने तो सुना होगा कि मैंने हमेशा सत्य और अहिंसा पर जोर दिया, क्योंकि अहिंसा यदि साधन है तो सत्य साध्य है। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। सत्य ईश्वर का ही दूसरा नाम है, धैर्य और संतोष अहिंसा की बुनियाद है। लेकिन तुम देख रही हो ना कि सत्य सिर्फ और सिर्फ पुस्तकों और कहने भर में सिमट कर रह गया है। चारों ओर मार धाड़, हत्याएं, ईर्ष्या, द्वेष का आलम है।
किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। और तो और, एक हाथ भी दूसरे हाथ पर भरोसा नहीं कर सकता। सामाजिक और राजनीतिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार, घूसखोरी बढ़ती जा रही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस के आधार पर चल रही व्यवस्था विकराल रूप धारण करती जा रही है। हमारे भारतीय लोग वसुधैव कुटुंबकम का वाक्य तो बड़ी शान से बोलते हैं, परंतु उस पर चलना तो दूर, उस पर चलना तो दूर की बात है, ऐसा सोचते भी नहीं है। सभी के दांत हाथी के समान हैं, जो खाने के और तथा दिखाने के और हैं। परमाणु बमों और हथियारों की बात तो इस प्रकार की जा रही है मानो बच्चों का खेल हो। युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो रही है, असामाजिक तत्व उन्हें गुमराह कर नशे का आदि बना रहे हैं। बच्चे उच्छृंखल और संस्कारहीन होते जा रहे हैं। शिक्षा की दुकानें और बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं। प्रतिशत प्रतिशत का खेल खेला जा रहा है, उसमें जीतने के लिए दौड़ भी लगाई जा रही है। सभी दौड़ रहे हैं, प्रतिशत चाहिए सबको। ज्यादा प्रतिशत नहीं आएंगे तो सबको दिक्कत हो जाएगी। किताबी ज्ञान तथा बड़ी बड़ी डिग्रियों का बोलबाला है। जैसे भी हो, सभी को ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचना है। ग्राम स्वराज्य के रूप में राम राज्य बसाना चाहा था, लेकिन राज्य में से राम निकल गया और बच गया सिर्फ राज्य, जिसके मुखिया अपने अपने निजी स्वार्थों को साधने में लगे हैं। बाढ़ ही खेतों को खाए जा रही है। अब किसी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मुखिया कैसा होना चाहिए। इस संबंध में तुलसीदास जी ने लिखा था, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अब लोग परिश्रम से जी चुराते हैं, बिना मेहनत के ही रातों रात अमीर बनने का ख्वाब पूरा करने के लिए गलत रास्ते अपनाए जा रहे हैं। पूंजी श्रम की मालकिन बन बैठी है। लोगों को स्वयं का कार्य करने में भी शर्म आती है। सभी के लिए लोग सोचते हैं कि ये काम करना, क्या हम इस पद पर हैं तो क्या हम ये कार्य कर सकते हैं और क्यों करें। उन्हें शर्म लगती है, जबकि कोई भी कार्य ईमानदारी से किया जाए तो उसके लिए शर्म करने की कोई भी जरूरत नहीं होती। पैसा कमाने की होड़ में लोगों का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। सात्विक भोजन के स्थान पर पका पकाया फास्ट फूड खा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तरह तरह की बीमारियां उन्हें अपने आगोश में ले रही हैं। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए बड़े बड़े सरकारी और गैर सरकारी हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं तथा उनमें विराजमान बड़े बड़े डिग्रीधारी डॉक्टर, जो लोगों की खून पसीने की कमाई लेकर उनकी बीमारियों को गहरी नींद में सुलाने में लगे हैं। क्योंकि ये जो दवाइयां हैं वो बीमारियों को जड़ से नहीं मिटाती, बल्कि उन्हें दबा देती है, फिर वो बाद में कभी न कभी किसी न किसी रूप में उभर कर दोबारा हमारे सामने मनुष्य के शरीर में घर करने लगती है। पश्चिमी देशों की होड़ा होड़ी फैशन सिर चढ़कर बोल रही है, उस पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। पहले लोग कहते थे
कि अगर फैशन से बच जाते तो तुम धनवान हो जाते, सुधर जाते, कदर होती, बिगड़ने फिर नहीं पाते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, फैशन और सिर्फ फैशन देखा देखी। मैं अपने दुखड़े कहाँ तक गिनाऊ? बापू कह रहे हैं, मैं अपने दुखड़े कहाँ तक गिनाऊ? मैंने तो प्रत्येक क्षेत्र में सभी का भलाई सोचा है, सोचा भी था। तुम ही बताओ, सत्य बोलने में क्या परेशानी हो सकती है? एक सत्य को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना, उसके बहाने तलाशने की क्या आवश्यकता है? जबकि सत्य तो सत्य ही होता है। झगड़े और समस्याएं प्रेम पूर्वक भी तो सुलझाए जा सकते हैं ना, उसके लिए हिंसा का सहारा लेना कहाँ की समझदारी है? लोग ईमानदारी से अपना कार्य क्यों नहीं कर सकते? जबकि ऐसा करने में तो मन में किसी प्रकार का भय भी नहीं रहता, कोई डर नहीं होता, क्योंकि जब काम ईमानदारी से किया जाए तो किस बात का डरना और क्यों डरना? जितना पैसा विनाश के साधनों पर खर्च किया जा रहा है, उसे विकास और भलाई के कार्यों में भी तो लगाया जा सकता है, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। विनाश का सोचेंगे, भलाई का नहीं सोचेंगे। युवा पीढ़ी को भटकाव से बचाना, उसे संस्कारित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो बालक का सर्वांगीण विकास कर सके, अर्थात शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उसे समर्थ बना सके। साथ ही शिक्षा ऐसी भी होनी चाहिए कि उसे रोजगार मिल सके, ताकि वह आत्मविश्वास के साथ, स्वाभिमान के साथ अपना और अपने परिवार का जीवन यापन आराम से कर सके। बिटिया, मैं चाहता हूं कि मेरे देश भारत में पुनः रामराज्य स्थापित हो जाए, जिसमें शासक और प्रजा के संबंध वैसे ही हों या वैसे ही होने चाहिए जैसे पौराणिक रामराज्य में हुआ करते थे। ये सफल लोकतंत्र के लिए आवश्यक भी है। देश का मुखिया मुख के समान अपना कार्य करे, देश के सभी लोग साक्षर हों, गरीबी से मुक्त हों। पश्चिम की नकल को रोकना अनिवार्य है, क्योंकि इसके पीछे दौड़ना एक दिन सर्वनाश का कारण भी बन सकता है। सभी का सादा जीवन व उच्च विचार हो, समानता का अधिकार हो, नशीली वस्तुओं के लिए कोई स्थान न हो। जिस व्यक्ति के पास स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ मन, स्वस्थ भावनाएं और स्वस्थ चरित्र होता है, वही व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। अगर इसमें से एक भी कम होता है तो कुछ न कुछ परेशानियां व्यक्ति को अपने जीवन में उठानी पड़ती हैं। हमारा शरीर प्रकृति के 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से मिलकर बना है, और हम सभी जानते हैं कि अंत में हमें इन्हीं तत्वों में पुनः मिलना है। इसलिए रोगग्रस्त होने पर इन्हीं के द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से इलाज किया जाए, जो कम खर्चीला और स्थायी होता है। जीवन में श्रम का बहुत महत्व है। श्रम को अगर हम पूजा मान लें तो शायद बहुत कुछ कर सकते हैं। पूंजी श्रम की सेवक होनी चाहिए, मालिक नहीं। बिना श्रम के प्राप्त भोजन को चुराए हुए भोजन के समान माना गया है। व्यक्ति को अपने सभी कार्य स्वयं करने चाहिए, किसी भी काम को करने में संकोच नहीं करना चाहिए। परिश्रम करने से शरीर निरोग रहता है, जबकि आलस करने से हमें
अनेक प्रकार की बीमारियां घेरने लगती है, मोटापा बढ़ता है। मैं अपने देश और देशवासियों के लिए और भी बहुत कुछ चाहता हूं, मगर पत्र बड़ा न हो जाए ये सोचकर बहुत ही संक्षिप्त में मैंने अपने मन की बात लिखने का प्रयास किया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी भावनाओं को, मेरे दर्द को समझो, मेरी बात को जन जन तक पहुंचाओ, उन्हें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करो। हो सकता है तुम्हारे प्रयास से मेरी आत्मा को शांति मिले और मेरा सपना साकार हो जाए। इसी उम्मीद के साथ, तुम्हारा बापू महात्मा गांधी। ये पत्र मैंने बापू की प्रेरणा से, उनके भावनाओं को समझकर, उनकी परेशानियों को समझकर लिखने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ और अपने सभी देशवासियों से ये विनम्र निवेदन करती हूँ कि हमें बापू की भावनाओं का आदर करते हुए राम राज्य की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। हमारे देश से भ्रष्टाचार और जो भी गलत परंपराएं हैं उन्हें हटाकर हमें ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। पुनः आप सभी का हार्दिक आभार। पुनः जनसरोकार मंच टॉक देवेंद्र जी का हार्दिक आभार और पाती मोहिन के जनक आदरणीय सूर्य सिंह जी नेगी सर का और उनकी समस्त टीम का और पाती परिवार का हार्दिक आभार। धन्यवाद। नमस्कार।